कंपाइल की, जो एक आप समझें कि थोड़ी सी उसकी क्रेडिबिलिटी इस वजह से ज्यादा है कि उसके इस रिपोर्ट के एंड पे आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के और दीगर जो रेप के इश्यूज हैं, जो ऑनर किलिंग के इश्यूज हैं, वो दिन ब दिन इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जरिए आ रही होती है, लेकिन हमने राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं वो तमाम प्रोविंसेस से जो है मेजॉरिटी शेयर पंजाब 638 एब्यूज के केसेस में तकरीबन 70% केसेस उनमें पंजाब में। अगर आप तो ये आपको ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आता है, इट मीन इंक्रीमेंटल मल्टीप्लाई हो गया। चाइल्ड लेबर जनवरी टू जून में पाकिस्तान में 116 क्यों, इसकी इंटरप्रिटेशन हमने करने की कोशिश की अपने लेवल पे। जब वो बैन लिफ्ट होता है, इंडस्ट्री दोबारा से रवान दवान होती है, तो एक अगेन ये नंबर एब्सोल्यूट नहीं है, ये सैंपल बेस्ड मीडिया ट्रेंड। चाइल्ड मैरिज पूरे पाकिस्तान में जी 9 केसेस, अगेन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक। अगले छह महीनों में 849 केसेस, टोटल 1422 केसेस, मीडिया ट्रैकिंग बता रही है 342 केसेस। अगेन अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा केसेस हो रहे बुक साइज 73, कहीं ना कहीं पंजाब का पहला नंबर आ रहा है। पहले वोमेन के केसेस डबल हो गए, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स अगेन मीडिया ट्रैकिंग बता रही है। लेकिन एक तरह से ये पॉजिटिव बात है कि पंजाब के अंदर केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ऑफिशियली जो स्टेटस देखने का एक मकसद बेसिकली ये भी है कि क्या जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो हमारे पुलिस के इदारे हैं, वो शहरी जब इस तरह का कोई केस लेके जाते हैं तो उसको रिपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, उनको फैसिलिटेट करते हैं कि नहीं करते। तो एक कंपैरिजन इसका बेसिकली जो पर्पज है वो ये है। बाकी जो मीडिया ट्रैकिंग जाहिर है साहिल अपनी बेसिस पे भी कर रहा होता है, हमने भी इनिशियली स्टार्ट मीडिया ट्रैकिंग से ही की थी, लेकिन साथ फिर हमने आरटीआई को ऐड किया कि आरटीआई के जरिए हम क्यों ना ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स जो है वो दें। जैसे मैंने भी बताया कि अभी हमारा जो अगला फोकस है वो ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस निकाले हैं इसका, और उसमें हमारे पास तकरीबन 26 डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, आरटीआई के थ्रू, और वो ऑफिशियल डेटा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हॉटस्पॉट है और कौन सा नहीं है। तो अगर तो किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा अगर उसको इंटरप्रेट इस तरीके से करेंगे, यार एक पॉजिटिव बात है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान में नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क है कि वहां पे नहीं हो रहे, और पंजाब में अगर ज्यादा हो रहे हैं तो एक तरह से उस तरह एप्रिसिएशन तो जाहिर नहीं है, लेकिन एक तरह से ये अच्छी बात है कि केसेस जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है रिपोर्ट करने के हवाले से। जी और भी क्वेश्चन किसी का? सर आपका जो सवाल था उसका एक और इन अ नटशेल ये भी एक जवाब हो सकता है कि रूल नंबर इज ऑल अबाउट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज, जबकि ये रिपोर्ट आप देखें तो इट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 9 इंडिकेटर्स। तो ये सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज पे या सेक्सुअल हरासमेंट पे नहीं है, ये एक मेन डिफरेंस है रूल नंबर में और इस रिपोर्ट में, वो सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जबकि यहाँ पर इन एडिशन टू दैट 9 और इंडिकेटर्स हैं और वो बच्चे और खवातीन दोनों को कवर कर रही है ये रिपोर्ट। थैंक यू। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद कौसर लिबास साहब इन तमाम हमारे यहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर बैठे हैं और तमाम ऑडियंस जो मुख्तलिफ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी से मीडिया से, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज 8 मार्च की मौके पे मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो सरा हम अपने लिए तालियां ना बजा दें जो खवातीन हैं और जो हमारे मेल हजरात हैं वो हमारी सपोर्ट पे अगर एक अप्लॉड तो बनता है ना आज, तो ऑन दिस वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द वुमेन इन पाकिस्तान इन साउथ एशिया ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर ग्रेट सर्विसेज यू नो ऑफ टू ह्यूमैनिटी, चाहे वो घर की सतह पे हैं, वर्क प्लेस पे हैं, लीडरशिप रोल पे हैं। खवातीन इस दुनिया का पाकिस्तान का तो आधा बनती हैं, तो बाकी दुनिया का भी इसी तरह से प्रोपोर्शन होगा। तो आज मेरे ख्याल से हमें सुबह से लेकर शाम तक ये दिन जो है ना वो खवातीन को नाम करना है, गिविंग दम ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल द इंकरेजमेंट एंड ऑल द सपोर्ट दे रिक्वायर
and time has proved, be it the history or the present, wherever they have been given conducive environment, opportunities, they have excelled like anything, surpassing even the men. So that's it. सबसे पहले जी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि मैं भी डेवलपमेंट सेक्टर से मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है और जो 20-22 साल मेरे गुजरे तो उससे मेरी ये लर्निंग हुई कि हम कभी भी इफेक्टिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते चाहे वो डेवलपमेंट सेक्टर हो चाहे असेंबली में बैठे हुए हमारे पार्लियामेंटेरियंस हों जब तक उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं होती जब तक उनके पास कोई डाटा मौजूद नहीं होता कोई डाटा होगा तो उससे पता चलेगा और उसके हवाले से उसके मुताबिक हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग है कि पहले आप अपने पास एक रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड आप अपने पास फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा लेके आए और फिर उसको एनालाइज करके एक लॉजिकल वे में उस डायरेक्शन में मूव करें ताकि बिल्कुल एक एप्ट डायरेक्शन में आप जाएं उस हिट द नेल जो है उसको करें पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम रोज ये बात करते हैं कि 1996 में आखिरी बार सर्वे हुआ था बच्चों का और अभी तक सुन रहे हैं कि वो इट्स गोइंग टू स्टार्ट मे बी देयर इज अ गैप बिकॉज ऑफ कोविड लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब अब शुरू हो जाए क्योंकि जब तक फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते तो हम काम नहीं कर सकते तो इस लिहाज से कौसर मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी और जैसे क्रूअल नंबर को बहुत क्रेडिबिलिटी हासिल है इस वक्त अगर देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अगर कहीं पे रेफरेंस देती है मीडिया रेफरेंस देता है अखबारात रेफरेंस देते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स रेफरेंस देती हैं तो क्रूअल नंबर को उसमें मेंशन किया जाता है जो कि बहुत ही लिमिटेड सा हमारे पास सोर्स है इतनी उसमें इंक्लूसिवनेस नहीं है इट केटर्स ओनली विद द केसेस ऑफ अब्यूज दूसरी तरफ जैसे यहाँ पे 9 इंडिकेटर्स का जिक्र किया गया है सो ये बहुत खुशाइन है और एक स्टेप फर्दर जो गए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के जिसको कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा अकाउंटेबिलिटी की तरफ इनडायरेक्टली जा रहे हैं वो ये है कि नाउ दे हैव स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स साहिल तो करते हैं कि कितने रिपोर्ट हुए डॉर्मेंट ये करें कितने एड्रेस हुए या कितने उनके पास गए सो देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड थिंग विच दे आर डूइंग सो द नेक्स्ट मे बी द स्टेप वुड बी आफ्टरवर्ड्स कि कितने इफेक्टिवली केसेस जो है रिस्पॉन्ड किए गए और कितनों पे केस मैनेजमेंट हुई सो दैट इज अनदर एरिया आई मस्ट से व्हिच इज द एक्चुअल थिंग व्हिच वन मस्ट बी डूइंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देम दो तीन चीजें जो मैं इस हवाले से वो करना चाहूंगी जैसे कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर भी पहले तो मैं थोड़ा सा ये मेंशन कर दूं कौसर कि जब कोविड-19 आया था तब मैं ये चेयरपर्सन नहीं थी लेकिन चूंकि मैं एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी काम कर रही होती थी तो आई एम टेलिंग यू इवन दो आई वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इसके बावजूद मुझे पर्सनली अप्रोच किया जाता था क्योंकि मैं मीडिया पे आती थी वैसे बोलती थी डेवलपमेंट से ताल्लुक था तो मुझे पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ बच्चियों औरतों के फोन आते थे और ऐसी ऐसी खवातीन के भी आते थे जिनको मैं कुछ को मैं जानती भी थी जो कि अपेरेंटली इन अ वेरी गुड फाइनेंशली इकोनॉमिकली या मे भी थोड़ी नॉन भी है तो उससे मुझे एहसास हुआ कि वॉयलेंस जो है वो थोड़ा सा ट्रिगर हुई है इस अरसे में जो उससे ज्यादा मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि देर वर नो प्रॉपर फंक्शनल एवेन्यूज अवेलेबल सच प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल सच इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल जहां पे वो खवातीन जो है उसको चाहे साइकोसोशल सपोर्ट कह लें चाहे उनकी जो वॉयलेंस के अगेंस्ट उनको जो सपोर्ट चाहिए वो उस तरह की कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं थी तो ये एक बहुत तकलीफ दे अमल था कि आपके साथ बहुत ही उम्मीद के साथ आपको कोई अप्रोच करे और आप उसके लिए कुछ कर ना सकें और खासकर अगर ये चीजें यहाँ कैपिटल में भी हो रही हो तो इट इज मे बी फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूंगी कि आज जैसे आपने बात की इसको थोड़ा मैं रिलेट करना चाहूंगी कि जब भी हम होलिस्टिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम किसी भी मुल्क में उसका एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखते हैं कवानीन को देखते हैं फिर उन कवानीन के अंदर अदारे बनने होते हैं उन अदारों को देखते हैं
उसके साथ साथ फिर हम अवेयरनेस रेजिंग भी करते हैं, और जैसा कि अब चूंकि ये बात इश्यूज पे आ गई है, व्यूज पे, तो कंप्लेन हैंडलिंग भी करते हैं, और इस सारे काम को और बेहतर करने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं कि अगर अदारे हैं तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करी जाए। ओवरऑल अभी भी हम सुबह बात कर रहे थे, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हवाले से या बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन हुई है, अब होने के ये जरूरत है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जो खवातीन रिलेटेड लेजिस्लेशन है उसमें अमेंडमेंट होने की जरूरत है। अगर इनहेरिटेंस का लॉ है तो उसमें होने की जरूरत है, अगर मजीद कोई ऐसे कवानीन है वॉयलेंस के हवाले से तो वॉयलेंस पे चेंज आने की जरूरत है, अगर हरासमेंट पे लॉ मौजूद है, लेकिन अब देखें जो बच्चियां स्पोर्ट्स में है तो वो वाला एस्पेक्ट तो हरासमेंट की डेफिनेशन में एड्रेस ही नहीं हो रहा, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बच्चियों के हरासमेंट के केस आते हैं, तो अब जो एग्जिस्टिंग कवानीन है उनको अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अब उस पर हमें शायद बात करें। अगली जो हमारे पास चीज आ जाती है वो है मुतहरिक अदारे अंडर दोज लॉज, तो लॉ में तब्दीली क्या आएगी, मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, शायद से आपको ये बात समझ आ जाए कि अब हमें लॉस की रिव्यू, लेकिन अब तमाम डेवलपमेंट सेक्टर को मेरा एज अ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन एक पैगाम है कि अब हमें फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो फंक्शनल होंगे तो सर्विसेज मिलेंगी एंड यूजर्स को, चाहे एंड यूजर बच्चा है या एंड यूजर खातून है, और वहां पे गैप्स क्या है, कैपेसिटी, बजट, टेक्निकल कैपेसिटी, ज्योग्राफिक आउटरीच, ऊपर लॉ सही नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आजकल मैंने पिछले दिनों सिंध का दौरा किया, वहां पे हम आईजी से भी मिले, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से भी मिले, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी के जो हेड है उनसे भी मिले, फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी वहां की जो उसको लॉ को डील करती है उनके हम चेयरपर्सन को मिले, तो अभी ये चीजें भी देखनी है हमें, गौर करना है रिसर्चेस में, पहले तो ये डाटा आ गया, अब इसके आने के बाद भी मसला हल नहीं हो रहा, वजह क्या है, वजह हमने ये देखनी है। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, केपी में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, और बलोचिस्तान में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है। इनको ये मैंडेट दिया गया है अंडर द लॉ कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन या अब्यूज को वो डील करेंगे। अगर मैं सिंध का ही आपको सिर्फ इस वक्त किस्सा बता दूं, तो सिंध का अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर एक एक कॉमन सेंस की बात है, ना भी पढ़ें, कि एक अदारे का काम है मॉनिटरिंग, ओवरसाइट, एनफोर्समेंट, सोशल वेलफेयर का काम है सर्विस देना, लेकिन अगर एक्ट करें तो उन्होंने गड़बड़ कर दी हुई है। ठीक है, जब एक्ट में ही गड़बड़ है तो काम कैसे होगा। मिसाल के तौर पर अगर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनकी जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो सोशल वेलफेयर के दिए हुए हैं, रिपोर्टिंग वो सोशल वेलफेयर को कर रहे हैं, तो फिर मॉनिटरिंग कैसे हुई। आप मॉनिटरिंग तब कर सकते हैं या रेफरल तब कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट हैं। तो ये मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि अभी जब हम डेटा कर रहे हैं तो हमें ये बारीकियां देखनी है, जब तक ये लूप होल्स, ये गैप, ये मसले आप सीधे नहीं करेंगे तो वो भले चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले जितना मर्जी चीफ ले, वो सोशल वेलफेयर वाले का बॉस तो सोशल वेलफेयर है, उसका तो पीआर वो करता है, उसका बजट तो वो देता है। इसी तरह आप ब्यूरो पे पास आ जाएं, ब्यूरो इज अंडर होम एंड देन सोशल वेलफेयर एज अनदर डोमेन, देन ज्योग्राफिक लिमिटेशन है उनकी, और वो सिर्फ डेस्टिट्यूट को देख रहा है। डेस्टिट्यूट इज वन एरिया, अभी वहां एनजीएस का केस आया, देयर इज नो अदारा टू डील विद दैट इशू, तो क्या सिर्फ डेस्टिट्यूट इशू है या इससे ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव। सेम इज द केस विद चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के भी या इस तरह की बाकी जो चीजें हैं। तो कहने का मकसद है कि डेटा उसको लिंक करें कि अब डेटा को यूज जो होगा या जो करेंगे, एक तो अदारे हैं और दूसरा ये पिवट है, ये इदारे, ये वाले अदारे सेंटर है, पिवट है, न्यूक्लियस है, इन्होंने आईजी, पुलिस, प्रोबेशन, सोशल वेलफेयर, अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के थ्रू, रेफरल के थ्रू ये सारा करना है, चाहे वो औरतों का कह लें या चाहे वो बच्चों का कह लें। लेकिन जहां पे ये वाला ही गैप है तो कैसे वो एक प्रॉपर रेफरल जो है वो इफेक्टिव रेफरल या सर्विसेज हो सकती है, तब यही हो सकता है कि जो आईजी या पुलिस के पास डायरेक्ट केस आ रहा है उसी का रिप्रेसल या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन उनको फॉलो अप कौन करेगा। एनजीओस की जितनी मर्जी वो अपना इफेक्टिवली काम करे, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट पूछ सकती है ना, यू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क फ्रॉम विद द पर्सपेक्टिव और राइट टू इंफॉर्मेशन, डेटा दे दे, लेकिन गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट का मैंडेट है मॉनिटरिंग करना,
वो ही बेहतर तौर पे उसको अकाउंटेबल ठहरा सकती, नहीं होगा तो बाय लॉ उसको एड्रेस करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं, मैं समझती हूँ कि इस चीज को फिर हम रेफरल रिस्पांस, इस डेटा को इफेक्टिवली यूज कहाँ पे करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरे से यूज जो हमें लग रहा है कि इसको अब हम सब ने एज ए डेटरस भी यूज करना है, इसको ये इसी केस के केस लोड को लेके कि ये इतना केसेस हैं और इतने रिस्पॉन्ड हुए, वाई जब केस आ गया, कंप्लेंट आ गई और उसके एड्रेस होने में गैप क्यों पड़ा, कितने अरसे का गैप पड़ा, कितने दिन महीने, कहाँ पे बॉटलनेक्स आई, कहाँ पे प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को भी रिसर्च में पिक करें और उस प्रॉब्लम एरिया जिसमें पॉलिसी मेकर्स आसानी से उस पर पॉलिसी बना सकते हैं, अमेंडमेंट दे सकते हैं, अदारों की जो उनका मैंडेट है या उसमें मजीद जो तब्दीलियां करनी है वो इस तरह की चीजें जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं आ रही थी, जैसे इसी के साथ मैं रिलेट करती हूँ, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे था तो मेरी केपी की ओम्बड्समैन के साथ बड़ी तफसील से बात हो रही थी, तो हम उसमें ये बात कर रहे थे कि अदारे हैं फिर उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से फंक्शनल होते हैं, तो डेटा के साथ साथ अदारों के रेफरल और उनके सर्विस प्रोविजन में जो गैप्स हैं और क्यों हैं उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल तो ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो एंड यूजर है उसको वो सर्विस मिले, औरत में वायलेंस है तो उसको वो सर्विस मिले, बच्चों का कोई भी अब्यूज वायलेंस का केस है बच्चों को सर्विस मिले, तो वहां पे उन चीजों को हमने बड़े ही इफेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। ये तो मेरी तीन चार मोटी मोटी बातें हो गई। दूसरा ये कि जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक गवर्नमेंट, असल में गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, गवर्नमेंट इस वक्त क्या पॉलिसी बनाई हुई है, क्या नेशनल प्लान ऑफ एक्शन है, क्या चीजें आईसीटी तक है, क्या प्रोविंसेस तक है, ये भी कॉन्सर्न हमें बहुत ज्यादा देखना है। अभी इस गवर्नमेंट ने जैसे रिसेंटली बहुत लेजिस्लेशन की लेकिन ज्यादातर चीजें आईसीटी तक महदूद हैं, तो अब हमें देखना है कि ये शोर मचाने की जरूरत है कि जो आईसीटी तक है उस तरह का सिमिलर जो रिफॉर्म्स है हमें प्रोविंसेस में मिलने चाहिए। वजह क्या है, अभी जैसे मैंने बात की, मैं आई जी सिंह से हमारी मीटिंग हुई, आई जी के पी से हुई, तो हमें जो गवर्नमेंट के अदारे थे जैसे ब्यूरो है, कमीशन है, उन्होंने हमें ये बताया कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में गैप एक बहुत बड़ा इशू है। ये थोड़ा सा हंसने की बात नहीं है, लेकिन जिसने एक शादी करनी होती है कराची वालों को जाके केवी में शादी करते हैं, क्योंकि वहां लॉ 16 साल है, उधर 18 साल है। इसी तरह जो रनअवे है, जब वो कराची से भागेगा तो आईजी साहब ने बताया कि हमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में मसला आते हैं, आप यहाँ हमें आप लिंक करें, बच्चा पंजाब में चला गया, बच्चा केपी में चला गया। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेटाबेस के साथ लिंक होने की जरूरत है कि भाई ये बच्चा वहां से मिसिंग हुआ तो फिर आगे केपी के साथ भी लिंक होने की जरूरत है, बलोचिस्तान में भी लिंक होने की जरूरत है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि मेरा कहने का सिर्फ मकसद यह है कि इस डेटा को आपने इफेक्टिव प्रोग्रामिंग के साथ किस तरह से लिंक करना है, ताकि हमें उस प्रोग्रामिंग या इसकी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोविजन हमें वो मिले, और जहां जहां गैप आए तो वो पॉप आउट हो जाए, वो पिन पॉइंट हो जाए, उस चीज को फिर हम मीडिया के थ्रू हाईलाइट करें कि यहाँ पे ये मसला है जिसपे भी सर्विस प्रोविजन जो है नहीं हो रही। दूसरा ये कि कराची को अगेन मैं ये आपकी बात को एंडोर्स करना चाहूंगी, इस वक्त सिंध के अंदर बड़ा इफेक्टिव सीपीएलसी मॉडल, आई रियली लाइक दिस सीपीएलसी मॉडल, उसको भी बड़ा इफेक्टिवली कर को भी बड़ा इफेक्टिवली कर, कराची के कराची से लेके तमाम डिस्ट्रिक्ट तक भी वो बड़े खूबसूरती से वो लिंक्ड है। आप एक मिनट में वहां पे आया, 3 मिनट बाद आपको उनका एक्शन भी मिल जाएगा, एफआईआर भी कॉपी भी, एसएसपी रिस्पॉन्ड भी कर देता है। तो इसको भी थोड़ा रेप्लीकेट स्टडी करके जरा अगर इसको हम आगे देखें कि किस तरह पाकिस्तान में वायलेंस एंड अब्यूज चले। और दूसरी ये कि इस तमाम चीज के साथ अनदर मैसेज फ्रॉम मी, ढोल बजाना नहीं छोड़ना। ढोल बजाने का मतलब है शोर मचाना नहीं छोड़ना, क्योंकि जब तक आप शोर नहीं मचाते, अवेयरनेस रेजिंग नहीं करते, तो मैं हर इवेंट में ये एक ही
एक ही इमरान खान की तरह जुमला बोलती हूँ, जैसे उनकी कुछ बातें पैटे मेरी भी है कि सखर में बैठे हुए बंदे को, मुजफ्फरनगर में बैठे हुए बच्चे को, दादू में बैठे हुए बच्चे को, पनुआकर में बैठे हुए बच्चे को क्या पता मेरे लिए क्या सर्विस लाहौर में मौजूद है, ब्यूरो मौजूद है, फ्लां मौजूद है, फ्लां मौजूद है। तो हमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस करनी है ताकि अवेयरनेस से डिमांड क्रिएशन हो। अवेयरनेस होगी तो पेप्सी की अवेयरनेस होगी तो पेप्सी बिकेगी और लस्सी दूध को रिप्लेस करेगी, विच इज अ नेगेटिव थिंग। तो जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज्यादा डिमांड क्रिएशन होगी, जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएशन होगी उतनी ज्यादा टेबू से हट के लोग रिपोर्ट करेंगे, जितना रिपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, और जितना ज्यादा यहाँ पे एविडेंस आएगी उतना ज्यादा आप शोर मचाएंगे। समझ आई? तो अवेयरनेस रेजिंग इन टर्म्स ऑफ टेलिंग पीपल उनके लिए सर्विस है, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कहाँ जाना है। ये इस एस्पेक्ट में तो गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए, डेफिनेटली सिविल सोसाइटी का ही है। दूसरी तरफ जब ये चली जाए उसके ऊपर फिर हम देखें भाई इतना वर्कलोड है ये कैसे मैनेज होगा, क्या पता उस अदारे को फंड्स की जरूरत हो, टेक्निकल कैपेसिटी की जरूरत हो, ज्योग्राफिक की जरूरत हो, उनका लॉ चेंज करने की जरूरत हो। तो ये सारी चीजें आपने मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी के साथ आपस में डॉफटेल करनी है और तमाम चीजों को ऐसे करना है कि उधर से डिमांड क्रिएशन करानी है, इधर से शोर मचाना है। ठीक है? बिकॉज आज भी देखें तो हम डेवलपमेंट सेक्टर के लोग बैठे हैं, डेवलपमेंट सेक्टर से हट के डेवलपमेंट सेक्टर्स की दुनिया में कोई नहीं आता। ये बहुत बड़ा गैप है, इसको कैसे ब्रिज करना है ये डेवलपमेंट सेक्टर आप सोचे कि किस तरह से आम पब्लिक में मेन स्ट्रीम करना है ताकि उनको भी पता चले कि ये डाटा है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है, कौन से हेल्पलाइंस हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कौसा, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत यूजफुल काम है सर, बहुत आपको मुबारक हो इसकी, और इसकी इससे आगे जाने के बहुत से रास्ते हैं और हम देखेंगे कि आगे कुछ तजावीज़ अभी मैं भी शेयर करता हूँ, लेकिन मज़ीद तजावीज़ आई थिंक जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सारे प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स दे शुड ऑल्सो थिंक इस डेटा से आगे कहाँ जाया जा सकता है। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ जो US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का मैंडेट है पीस बिल्डिंग के हवाले से। थ्योरेटिकली पीस और इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जहाँ पे इनइक्वालिटी होगी वहाँ पे पीस नहीं हो सकता, चाहे वो जेंडर की लाइंस पे हो, क्लास की लाइंस पे हो, चाहे वो एथनिसिटी के लाइंस पे हो, किसी भी रेशियल लाइंस पे हो। तो इनइक्वालिटी बेसिकली वो क्रिएट करती है वायलेंस को इम्प्यूनिटी, वायलेंट एक्टर्स को इम्यूनिटी देती है, जो पावर डिफरेंशियल्स हैं सोसाइटी में, और उसकी बेसिस सिर्फ माइंडसेट या रवैयों की बात नहीं है, वो इनइक्वालिटी स्टेम करती है मुआशरे में जो वसाइल की तकसीम है, जो ताकत की तकसीम है उससे एसेंशली स्टेम करती है। तो जब तक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी रहेगी तो उसमें कमजोर और ताकतवर के दरमियान या तो वायलेंस होगा और या कॉम्प्रोमाइज होगा, इंसाफ नहीं हो सकता। तो इसलिए एक तो इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट ये है। अब उसमें जो स्टेट का काम होता है किसी भी सोसाइटी में वो यही होता है कि एक तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, जहां पे सारे सिटीजन्स को उनकी मुआशरती ऊंच नीच से अबव जाके उनको इंसाफ दिया जा सके, उनके मामलात को तय कराया जा सके। तो उस हवाले से जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं वो किस हद तक फाल हैं, ये स्टेटिस्टिक बेसिकली उसका एक आईना है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ, आई थिंक एग्री करेंगे आप, कि दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये स्टेटिस्टिक्स मीनिंगलेस हैं, क्योंकि ये तो बल्कि हमें शायद केस स्टडीज इनमें करनी चाहिए कि जी ये कैसे FIR रजिस्टर होगी, ये कैसे मंजर आम पे आ गए, क्योंकि इनमें से हर केस के मुकाबले में जो इन स्टेटिस्टिक्स में मौजूद है सैकड़ों केस ऐसे हैं जो कि कभी ना कहीं रिपोर्ट होते हैं ना किसी स्टेटिस्टिक्स में आ सकते। तो मैं एक तो ये चाहूंगा कि एक नेशन वाइड सर्वे होना चाहिए जो कि एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ दीज क्राइम्स, ये जो नो सेकेंड वर्जन इसका आया जुलाई में 2020 में, जितने हमने जनवरी से लेके जून तक
कटेटा इसमें हमने शामिल किया एंड दिस इज द थर्ड एडिशन द थर्ड वर्जन डेटा को वेरियस लेवल के ऊपर हम कलेक्ट करें अगेंस्ट स्टेट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन एंड चिल्ड्रन दूसरा था कि इसमें हम एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोड्यूस करें और वो भी अपने अपने लेवल पे एक्यूरेट डेटा इकट्ठा करें और शेयर्ड लर्निंग के परस्पेक्टिव में उसे प्रेजेंट किया जाए मुख्तलिफ फॉर्म फंडामेंटल ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है अगर हम चाइल्ड अब्यूज के स्टेटिस्टिक्स आगे बात कर रहे हैं फिर सेकेंडली इसकी एग्जेक्टिव समरी है थर्ड इसका चैप्टर है इंट्रोडक्शन जिसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं कुछ कंसोलिडेटेड ग्लिम्प्स हैं फिर इसमें मेथोडोलॉजी की बात है राइट के इंडिकेटर के ऊपर हमने एक एक पेज की अलग से समरी भी है तो डोमेस्टिक वाइज अगर ये देखें आप इस साइड पे तो ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं इस साइड पे मीन और दूसरा हमने टाइम स्पेन लिया जुलाई टू दिसंबर इसमें अगर आप देखें पाकिस्तान ऊपर पाकिस्तान और एक प्रोविंस वाइज नीचे जा पाकिस्तान में अगर जनवरी टू जून 2020 में 928 केसेस हुए थे तो वो अगले 6 महीने में बढ़ के 1000 क्रॉस कर 1980 ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें बता रहे 19